नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है लुम्बनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है, इसका उत्तर होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जिस तरह से गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया, उसी तरह से बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म वो सांख्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता सांख्य गणराज्य के राजा थे। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसका उत्तर होगा बोध गया। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला सातवां नंबर का प्रश्न है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसका उत्तर होगा बौद्धों का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर में। अगला नौ नंबर का प्रश्न है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो इसका उत्तर होगा बौद्धों का। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दसवां प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो इसका उत्तर होगा पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न 12 नंबर को, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका उत्तर होगा प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी भी थी। अगला 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका उत्तर होगा वैशाली। भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, देखते हैं उसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है घोड़ा, और उसके घोड़ा का नाम कंथक था। आगे 15 नंबर का प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका उत्तर होगा राजगृह में, जो आजाद शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे देखते हैं कौन थे, इसका उत्तर होगा अलार कलाम, जो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो इसका उत्तर होगा जातक। जातक से जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो इसका उत्तर होगा श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं बीच नंबर का प्रश्न, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध को ही एशिया का रोशनी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अशोका राम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोका राम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न देखते हैं उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। ये गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में जो है, इसका उत्तर होगा राजगीर। तो राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा प्रथम उपदेश। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये थे बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।